लास्ट वीडियो में हमने ये हरूफ याद किए हैं और यहाँ पर इन नुक्तों की पहचान की है, और मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह से उस वीडियो को देखकर इस तख्ती को याद कर लिया होगा और अपने जहन में बिठा लिया होगा। आज हम यहाँ पर कायदा नंबर एक स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कायदा पारा या कुरान शुरू करने से पहले आपको औऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना जरूरी है। तो एक बार मेरे साथ यहां पर पढ़िए, औऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये कायदा नंबर एक है, इसमें हरकतों के बारे में बताया गया है। जैसे कि आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसमें ए बी सी डी ये सभी वर्ड्स इनएक्टिव होते हैं, यानी ये एक्टिव नहीं होते हैं। इसी तरह से यहां पर जो ये हरूफ हैं ये भी इनएक्टिव है, अभी एक्टिव कंडीशन में नहीं है। तो जैसे इंग्लिश में वर्ड्स को एक्टिव करने के लिए उसके साथ वॉवेल्स लगाए जाते हैं, जैसे कि ए आई यू, इसी तरीके से अरबी में इन हरूफ को एक्टिव करने के लिए हरकतें लगाई जाती है, और हरकत तीन तरह की होती है, एक जबर, एक जेर और एक पेश। जबर जो होता है वो हरूफ के ऊपर होता है, जैसे कि यहां पर आप देखिए ये जबर है और इसकी आवाज सीधे जाती है। दूसरा होता है जेर, जो हम कायदा नंबर दो में पढ़ेंगे, वो हरूफ के नीचे होता है और उसकी आवाज नीचे की ओर जाती है। तीसरा होता है पेश, पेश हरूफ के ऊपर होता है और इसकी शक्ल कुछ ऐसी होती है और इसमें आवाज ऊपर की ओर जाती है। तो इन्हें कहा जाता है हरकत। अब यहां पर आप देखिए वही सब हरूफ हैं जो पीछे हमने पढ़े हैं, लेकिन यहां पर ये एक्टिव कंडीशन में है क्योंकि इनके ऊपर यहां हरकत लगा दी गई है। सबसे पहला हरूफ है अलिफ। अलिफ के ऊपर जब हरकत लगा दी जाती है तो वो हमजा बन जाता है, फिर उसको अलिफ नहीं पढ़ा जाता है क्योंकि अलिफ हमेशा खाली होता है, उस पर कोई हरकत नहीं होती है। तो यहां पर इसको हम पढ़ेंगे हमजा जबर आ। इसी तरीके से बा जबर बा, ता जबर ता, सा जबर सा, जीम जबर जा, हा जबर हा, खा जबर खा, दाल जबर दा, जाल जबर जा, रौ जबर रौ, जा जबर जा, सीन जबर सा, शीन जबर शा, सौद जबर सौ, जौद जबर जा, तौ, जौ जबर जा, आइन जबर आ, गैन जबर गौ, फा जबर फा, कौफ जबर कौ, काफ जबर का, लाम जबर ला, मीम जबर मा, नून जबर ना, वाव जबर वा, हा जबर हा, हा जबर हा, या जबर या, या जबर या। यहां पर सारे हरूफ को एक लाइन में लगाया गया है जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था, लेकिन यहां पर उन हरूफ को अलग अलग करके लिखा गया है। जैसे कि यहां पर हा जबर हा है तो इसके बाद यहां पर रा लिखा गया है, ताकि आप हरकतों के साथ साथ ही हरूफ को समझ भी सके। यहां पर एक कॉमन मिस्टेक होती है जो सभी बच्चे करते हैं कि बा जबर बा पढ़ते हैं। आपको इसको खींचना नहीं है बल्कि आपको इसको एकदम पढ़ना है, बा जबर बा, ता जबर ता, सा जबर सा, जीम जबर जा, हा जबर हा, रौ जबर रौ, जा जबर जा, फा जबर फा, हा जबर हा, या जबर या, वाव जबर वा, दाल जबर दा, जाल जबर जा, नून जबर ना, कौफ जबर कौ, मीम जबर मा, काफ जबर का, लाम जबर ला, हमजा जबर आ, खा जबर खा, आइन जबर आ, गैन जबर गौ, सीन जबर सा, शीन जबर शा, तौ जबर तौ, जौ जबर जा, स्वाद जबर स्वा, ज़ौद जबर जा। तो यहां पर इन सभी हरूफ को
इस तरीके से जबर वाली हरकत लगाकर अलग अलग पढ़ने की प्रैक्टिस की गई है। यहाँ पर एक लाइन के साथ और यहाँ पर अलग अलग तरीके से हरूफ को रखा गया है। इसमें आप अलग अलग हरूफ को एक साथ मिली हुई शक्ल में देखोगे, जैसे कि यहाँ पर है सीन जबर सा, लाम जबर ला, मीम जबर मा। तो ये तीनों हरूफ मिलकर कुछ इस तरह के देखने में लगेंगे। तो ये तीनों की आवाज निकलेगी स ल म, तो ये हो गया स ल म। यहां पर आप देखिए ये सीन है, ये लाम है और ये मीम है, और यहां पर इसकी एक पूरी शक्ल आ गई है जो मिलाकर लिखी जाती है। अब ये हरूफ ऐसे पढ़ा जाएगा सीन जबर स, लाम जबर ला, मीम जबर म, स ल म। यहां पर दूसरा हरूफ देखिए रा ज कॉफ, रा जबर रा, जा जबर जा, कॉफ जबर कौ, रा ज कौ। तो इस तरीके से इस मश्क में आपको सभी हरूफ को मिला मिला कर पढ़ना है। जैसे यहां पर जीम जबर जा, रा जबर रा, बा जबर बा, ज र बा, ऐन जबर आ, मीम जबर मा, लाम जबर ला, आ म ल, मीम जबर मा, रा जबर रा, ज़ाद जबर ज़ा, म र ज़ा, ज़ाद जबर ज़ा, रा जबर रा, फा जबर फा, ज़ा र फा, वाव जबर वा, ज़ा जबर ज़ा, नून जबर ना, व ज़ा ना, दाल जबर दा, रा जबर रा, सीन जबर सा, द र सा, वाव जबर व, रा जबर रा, सा जबर सा, व र सा। यहां पर ये सभी हरूफ अलग अलग लिखे हुए हैं, लेकिन यहां पर इन सभी हरूफ को मिलाकर लिखा गया है। आपको यहां पर पहचान भी करनी है और इनको सही तरीके से पढ़ना भी है। सबसे पहले देखिए सीन जबर सा, लाम जबर ला, मीम जबर मा, सलामा। सीन जबर सा, लाम जबर ला, मीम जबर मा, सलामा। रा जबर रा, जा जबर जा, कौफ जबर कौ, रा जा कौ, जीम जबर जा, रा जबर रा, बा जबर बा, जा रा बा, जीम जबर जा, रा जबर रा, बा जबर बा, जा रा बा, आइन जबर आ, मीम जबर मा, लाम जबर ला, आ मा ला, आइन जबर आ, मीम जबर मा, लाम जबर ला, आ मा ला, मीम जबर मा, रा जबर रा, ज़ाद जबर ज़ा, मा रा ज़ा, मीम जबर मा, रा जबर रा, ज़ाद जबर ज़ा, मा रा ज़ा, स्वाद जबर सौ, रा जबर रा, फा जबर फा, स्वा रा फा, ज़ाद जबर ज़ा, रा जबर रा, फा जबर फा, ज़ा रा फा, वाव जबर वा, ज़ा जबर ज़ा, नून जबर ना, व ज़ा ना। तो आज का हमारा ये कायदा नंबर फिनिश हो चुका है। इसमें आपको दो काम करने हैं। सबसे पहले तो आपको सभी हरूफ को अलग अलग तरीके से उनके ऊपर जबर वाली हरकत लगाकर उनका तलफ्फुज़ करना है, और दूसरा काम आपको ये करना है कि इन सभी हरूफ को मिला मिला कर एक तो समझना है और सही तरीके से उनका तलफ्फुज़ करना है। यहाँ पर ये कायदा नंबर 4 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग है, यहाँ पर अलिफ बा की पूरी तख्ती एक लाइन के साथ लिखी हुई है और उसके ऊपर जबर वाली हरकत लगाकर उसको एक्टिव बनाया गया है। तो इसको पढ़ने का तरीका रहेगा बा जबर बा, यानी पहले हरूफ आ जाएगा, फिर हरकत का नाम आ जाएगा, और फिर जो आवाज निकलेगी हरूफ और हरकत को मिलाकर वो आएगी। जैसे ता जबर ता, सा जबर सा। दूसरा पार्ट है यहां पर कि हरूफों को लाइन से नहीं लगाया गया है, बल्कि कोई भी हरूफ कहीं पर भी रख दिया गया है। तो यहां पर आपको हरूफ की पहचान भी करनी है कि कौन सा हरूफ क्या है, और साथ ही उस पर हरकत लगाकर
उसका तलफ्फुज भी करना है, उसको पढ़ना भी सीखना है। तीसरा पार्ट है यहाँ पर कि हरूफ को एक साथ मिलाकर रखा गया है लेकिन लिखा नहीं गया है। जैसे यहाँ पर सा ला मा, तो इन तीनों को यहाँ रखा गया है लेकिन मिलाया नहीं गया है। तो आपको तीन तीन हरूफ को एक साथ रखकर इस तरीके से यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है, मश्क करनी है। फोर्थ पार्ट है, चौथा भाग है यहाँ पर कि इसमें हरूफ को मिलाकर रखा गया है। ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा क्योंकि आपको यहाँ सभी हरूफ की पहचान भी करनी है और उनका तलफ्फुज यानी उनको सही से पढ़ना भी है। जैसे आप देखिए ये भी सलामा है लेकिन इसमें हरूफ को अलग अलग रखा गया है, और ये भी सलामा है इसमें हरूफ को मिलाकर रखा गया है लेकिन थोड़ी पहचान छोड़ी गई है, जबकि ये भी सलामा है लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है, इसको मिलाकर रखा गया है। कुरान पाक में जो आपको अल्फाज मिलेंगे वो इसी तरीके से मिले हुए मिलेंगे, ऐसे 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 या फिर ऐसे नहीं मिलेंगे। तो इस कायदे नंबर एक को आपको जैसे मैंने बताया है वैसे ही अच्छी तरीके से याद करना है, इसकी मश्क करनी है और प्रैक्टिस कर लेनी है। इस कायदा नंबर एक को पढ़ने के बाद कहीं भी अगर आप इस तरह से कोई भी वर्ड लिखे हुए देखो जिसके ऊपर जबर लगा हुआ है तो आप फौरन ही उसको पहचान लो और सही से पढ़ सको, इतनी कैपेसिटी आपके अंदर आ जानी चाहिए।